मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बॉम्बे। नेक्स्ट 3 दिन का प्लान है। नेक्स्ट 3 डेज बहुत ही बिजी शेड्यूल है, सो होपफुली वीडियो पूरा 3 दिन कवर करेगा। सो आई एम गोइंग टू बॉम्बे टू मीट वन ऑफ द शार्क्स। गेस कीजिए किसे मिलने जा रहे हैं हम। ठीक है, आपको पता चलेगा। सो आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन सूरत, एंड सूरत से ट्रेन है। आई विल बी लीविंग टू बॉम्बे। बॉम्बे में मैं पहुँचूँगा करीब 1:30 बजे। I have a meeting scheduled at 2:30. So let's see क्या होता है मीटिंग में। एंड इट्स अ मार्केटिंग रिलेटेड मीटिंग, तो करते हैं कुछ। एंड होपफुली उसकी ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। तो क्या की मीटिंग चले लेके चलते आप सभी को बॉम्बे। पहले ट्रिप है बॉम्बे। फाइनली मैं होटल पहुंच गया हूं, और अभी मैं जिन शाक से मिलने जा रहा हूं उनसे 2:30, और मैं ऑलरेडी भाई 2 बज के बहुत लेट चल रहा हूं मैं। सो अभी मैं सीधा निकल जाऊंगा और देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, और अच्छा ही होगा जो भी होगा। मैंने गिफ्ट भी पैक किया अपने मतलब शाक के लिए। सबको दिखाता हूँ। तो हमने एक साड़ी पैक करी है इन आर ब्यूटीफुल पेपर पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग, जो कि हम उनको देंगे। सो होप कि उनको पसंद आए। लेट्स गो। इन साइड स्टूडियो देखो, यहाँ पे शूटिंग चल रही है। महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन रखा है यहाँ पे। ये वाला गेट होगा क्या? ये वाला गेट होगा। ये ही लग रहा है। एक सेकंड पूछो जरा इनको एक बार। हाईलाइट स्टूडियो अंदर है। चलो जाएगा कहाँ? टेम्पो लगा रहे टेम्पो वाले को थोड़ा बोलते साइड ले लेगा भैया। लोकेशन कोई बात नहीं, आप मेरे को उतार दो। लो भाई, तो भाई आई एम एट द सेट। पहुंच गया हूं मैं सेट पे। आई हैव अ मीटिंग विद राधिका मैम, सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस। सेकंड टाइम कमिंग टू फिल्म सिटी। से समथिंग टू आवर ऑडियंस एज वेल। ओके, सो गाइस आई एम बैक टू फिल्म सिटी अगेन। एंड आज आई मेट अ शार्क, राधिका मैम। सो वन थिंग, देयर वाज अ मिथ, आई डोंट नो, मैंने शार्क टैंक से पहले ना बहुत सारा सुना था कि शार्क्स के पास तो टाइम नहीं होता, दे डोंट मीट, दे डोंट गिव एनी इनपुट। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब से हमारी डील क्लोज हुई है ना, तब से एक जस्ट मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ नवीन सर का, एंड ही रिप्लाईज दैट। या या या, दैट इज माय हस्बैंड गाइस। या या, सो वो इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं। एंड आज मैं हम मिले हैं, एंड आल्सो आई गिफ्टेड वन साड़ी टू माय कजिन। ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम दीवा, एंड दे मेकिंग ब्यूटीफुल साड़ीज एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट, सो प्लीज गो बाय फ्रॉम दीवा। ऑफ कोर्स, आई गॉट माय फर्स्ट दीवा साड़ी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एनी मैसेज फॉर हिमाचल? यस यस प्लीज। Firstly, Himachal is beautiful, and my message is to all the people working at Diva, especially the lovely women and folks in the village. कि आपने छोटे शहरों से इतनी अच्छी बड़ी कंपनी बनाई है, इसको ग्लोबल कंपनी बनाई है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हिमाचल का नाम टूरिज्म में बहुत फेमस हो गया है, हिमाचल का नाम दीवा के लिए भी फेमस हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेड बाय दीवा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। फाइनली आई मेट अमन सर। बहुत बड़ा मतलब ऐसे फैन नहीं हो सकते, फॉलोअर हूँ उनका, आई फॉलो हिम। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही, मैं रिलेट करता हूँ अपनी पर्सनैलिटी के साथ, जिसे मेरे को अच्छा लगता है। अभी उनसे मिला हूँ, उनकी वैनिटी में तो बहुत अच्छे से उन्हें ग्रीट किया, खाना मंगवाया मेरे लिए, चाय मंगाई है। ऐसी दुनिया बोलती है कि भाई ये टाइम नहीं देते, बात नहीं करते, लेकिन क्या क्या पर्सनैलिटी है भाई। रिस्पेक्ट। मैं आ गया भाई, अमन सर से मिले, राधिका मैम से मिले। पिच देखी पहली बार, आई थिंक मैं अकेला ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिसने ऐसे पीछे बैठ के देखा होगा कि जब पिक्चर सामने हो तो कैसा रहता है बैक स्टेज माहौल, वो सब एंजॉय किया। अभी पीछे देखो, ये कोई रीप जगत की ऐसी भी कोई शो आता है, उसका सेट है, और सामने शूटिंग चल रही है। देखो ये भाई फिल्मों की दुनिया है भाई, मतलब ये हमने जाते हुए तुम्हें दिखाया था। देखो
ये पुलिस स्टेशन बना रखा है ऐसे, मतलब कुछ भी बना देते हैं भाई सेट के लिए, कहीं भी कुछ भी बन सकता है। मज़ा आ गया, पर बहुत मज़ा आया भाई। हर जगह कुछ ना कुछ शूट चल रहा है, ये मोस्टली मेरे हिसाब से सारे सोनी के चल रहे हैं पीछे जो थे ना, और बढ़िया है भाई। मैं स्टूडियो का नाम नहीं बताऊँगा बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी फैक्टर, एक सेकेंड। हाँ, मैं स्टूडियो का नाम नहीं बताऊँगा बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी फैक्टर, बट इट वॉज ग्रेट। मेरे को लगा नहीं था कि मैं दोबारा कभी सेट पे जाऊंगा शार्क टैंक के, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कभी। मैंने ऐसा मैं कहा यार एक बार वापस वो वाइब चाहिए मेरे को, वापस उस मोमेंट में जाना है। और बहुत सारे फिर वो लोग, पुराने सब लोगों से भी मिला मैं जिन्होंने मेरे मतलब पिच के टाइम पे हेल्प करी थी हमारी। शार्क से मिला, अमन सर से मिला, राधिका मैम से मिले, तो मज़ा आ गया।